दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना इसी साल आर्टिफिशियल मून सैटेलाइट बनाने जा रहा है, जो कि रात के समय नेचुरल मून यानी कि चंद्रमा से 8 गुना ज्यादा रोशनी प्रोवाइड करेगा। आर्टिफिशियल मून सैटेलाइट पर ये देश ऑलरेडी काम कर चुका है और इसी साल चाइना द्वारा आर्टिफिशियल चांद को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। चाइना इस प्रोजेक्ट पर इसलिए काम कर रहा है ताकि वो अपने देश की स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस कर सके और इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सके। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद चाइना में कभी अंधेरा नहीं छाएगा। दोस्तों कई बार सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि सलमान खान के ऐप्स असली है या नकली। चलिए इसकी सच्चाई आज हम आपको बता देते हैं। असल में सलमान खान का मोटा पेट है, कोई ऐप्स नहीं है। वो एक दशक से अधिक समय से हमें नकली ऐप्स दिखा रहे हैं। ये पहली बार वर्ष 2017 में सामने आया जब एक रियफेक्स स्टूडियो ने एकता टाइगर की शूटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में स्टूडियो ने गलती से खुलासा कर दिया कि सलमान खान के शरीर पर ऐप्स डिजिटल रूप से बनाए गए हैं। स्टूडियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीडियो को जल्दी से हटा दिया, लेकिन तब तक लोगों ने वीडियो को डाउनलोड कर लिया था। अधिकांश फिल्मों में नकली ऐप्स होने के कारण उनके शरीर की फिजिक्स गलत दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर एक फीमेल सिंगर की क्लिप धूम मचाए हुए है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह मखमली आवाज वाली इस लड़की की वीडियो देखने को मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि ये कौन है। मानिंग के मांगे ही थे सॉन्ग गाने वाली ये सिंगर। ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम रील्स पर देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंगर साउथ इंडियंस की है। हालांकि आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जहानी इंडियन नहीं बल्कि श्रीलंका की रहने वाली है। उनका ओरिजिनल गाना जो कि सोशल मीडिया पर शाया हुआ है वो भी तमिल या मलयालम में नहीं बल्कि श्रीलंका के सिन्हाला भाषा में है। जहानी का पूरा नाम जहानी डिलोका डी सिल्वा है। उनका जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 30 जुलाई 1993 को हुआ। उन्होंने साल 2013 में अपना करियर एक यूट्यूबर के रूप में शुरू किया। जल्दी ही उनके गाने और रैप लोगों को पसंद आने लगे। अब जहानी को श्रीलंका में रैप प्रिंसेस का खिताब दिया गया है।